हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एथेनोइक एसिड के बारे में। इसके पहले का पूरा टॉपिक हमारा डन हो चुका है। देखिए, एथेनोइक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्टिक एसिड। एथेनोइक एसिड को ही हम एस्टिक एसिड कहते हैं। एथेनोइक एसिड जो ये नाम दिया गया है, ये कौन सा नेम है? ये IUPAC नेम है, ठीक है। तो एथेनोइक और एसिड, एक्चुअल में ये दोनों एक साथ ही होने चाहिए ना। एथेनोइक एसिड बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको IUPAC में पढ़ाया, तो आप उसको एक साथ कर लेना। तो एथेनोइक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इसका क्या है? ये इसका कॉमन नेम है, ओके। और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है COOH, ओके। और ये जो एस्टिक एसिड, जो कॉमन नेम आया है, ये कॉमन नेम कहां से लिया गया है? जैसे IUPAC नेम में अगर हम कहते हैं एथेनोइक एसिड, तो वहां पर रूल को फॉलो करके हम वहां पर एथेनोइक एसिड नाम दे रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर एस्टिक एसिड आपसे पूछा जाए कि आपने कॉमन नेम ये कैसे दे दिया, कुछ तो सोचा होगा आपने, कैसे नाम दिया है? तो बिल्कुल सोचा है हमने, ये देखा कि ये एथेनोइक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो विनेगर जो है, विनेगर यानी कि सिरका, जो अचार में पड़ता है और अचार को काफी टेस्टी बना देता है और जल्दी से अचार पक भी जाता है। कैरी का अचार डालते हैं जब, तो उसमें विनेगर डालते हैं। ये मैंने बहुत पहले से, नानी भी मेरी डालती थी विनेगर, यानी कि सिरका, ठीक है। तो उस सिरके में देखा गया कि वहां पर ये एथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब कॉमन नेम क्या, कि सिरके से इसको निकाला जा रहा है। तो आपने पूछा ना अभी कि भाई आपने नाम कैसे दे दिया है ना, क्या सोचा आपने नाम देने के लिए? तो हमने ये सोचा कि ये विनेगर में पाया जाता है, और विनेगर में वर्ड होता है एसीटम। एसीटम मतलब होता है विनेगर, ओके। तो एसीटम से हमने नाम दे दिया कि ये एक एसिड है, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा होता है, तो ये एक एसिड है। तो इसका नाम दे दिया हमने कॉमन नेम, इस विनेगर की वजह से हमने इसका कॉमन नेम दे दिया एस्टिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कॉमन नेम दिया गया एस्टिक एसिड, और इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और CH3COOH कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, ठीक है। इसका अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, जैसे एक कार्बन है, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ ऊपर में डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब विनेगर है ना, अब हम बात करेंगे कि अगर हमको विनेगर बनाना हो, आपके पास एथेनोइक एसिड प्रेजेंट हो और आपको विनेगर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो करते क्या है हम, आपके बुक में चूंकि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। NCERT रीड करेंगे ना, तो उसमें सब चीज़ें ये दिया हुआ है। देखिए, हम क्या करते हैं कि इसमें हम ले लेते हैं, विनेगर आपको बनाना है तो हम इसमें ले लेते हैं क्या, वाटर, है ना। इसमें हमने ले लिया पानी, H2O ले लिया, ठीक है। हमने जितना H2O लिया है ना, मान लो 100% हम H2O ले रहे हैं, 100 H2O है अगर, तो 100 में से 5.8 को निकाल लो, ठीक है। तो 100 की तुलना कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, कि अगर इसमें हम जितना भी हम इसमें पानी लेंगे, तो उसका 5.8% हमको क्या मिलाना पड़ेगा इसमें, एथेनोइक एसिड। अगर हम 5.8% इसमें एथेनोइक एसिड मिला देते हैं, तो ये जो मिक्सअप तैयार होगा ना, ये जो मिक्सर पूरा रेडी हुआ है, जो सोल्यूशन पूरा रेडी हुआ है, इस सोल्यूशन को ही हम तब बोलेंगे कि ये क्या बन गया हमारा, विनेगर। तो विनेगर बनाते कैसे हैं, विनेगर बनाने के लिए आपको यही करना होता है कि पानी लेना होता है, और जितना आपने पानी लिया उसका, उसमें 5.8% उस पानी का 5.8% आप क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं इस एथेनोइक एसिड विनेगर, ओके। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड क्या है, क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो पहला, मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये पिघले हुए अवस्था में रहता है 290 केल्विन पर। 290 केल्विन का मतलब हम डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें कॉमनली, क्योंकि ये केल्विन है, केल्विन में से 273 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये केल्विन किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो 290 केल्विन का मतलब होता है 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये पिघले व्यवस्था में, यानी कि आपको लिक्विड स्टेट में ही दिखाई देगा, मतलब कि ये जो होता है सोल्यूशन के फॉर्म में, है ना, लिक्विड रूप में ये रहेगा। ओहो, एक कीड़ा है, बार बार मेरे कैमरे के ऊपर ही चल रहा है। क्या मैं बता रही थी अभी, हाँ,
इसकी मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस के मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, ये देखो, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको कहा जाता है। क्यों, किसको हम कह रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हम एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह रहे हैं, क्योंकि आपने ग्लेशियर देखा होगा ना, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का, बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर बोलते हैं उसको, ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहलाता है, क्यों, क्योंकि 17 डिग्री सेल्सियस पर, 17 डिग्री सेल्सियस पर तो ये लिक्विड स्टेट में है, यानी कि ये पानी के रूप में पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, यानी कि 290 डिग्री केल्विन या 70 डिग्री सेल्सियस के बिलो जैसे ही टेम्परेचर जाता है, ये क्या होता है, ये जम जाता है, ठीक है, और ये जम करके फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में एंड फॉर्म आइस लाइक, है ना, आइस लाइक फ्लैक्स में ये बना लेता है, ठीक है, बिल्कुल बर्फ जैसा ये फ्लैक्स बना लेता है। इसीलिए बर्फ जैसा बन जाना, इतने टेम्परेचर के नीचे बर्फ के रूप में पाया जाना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। देखो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखाया गया, यानी कि और एक और बात पूछा जाता है आपसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है क्या इसमें कोई भी मॉइस्चर पाया जाएगा, यानी कि H2O भी इसके अंदर है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, H2O इसके अंदर नहीं है, पानी इसके अंदर नहीं रहता है, इट इज एनहाइड्रस, यानी कि बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है, एनहाइड्रस है, नो मॉइस्चर, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें वाटर नहीं पाया जाता है। 290 केल्विन के नीचे हम जाते हैं तो हमको ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिल जाता है, और अगर हम 290 केल्विन के जब अबव जाते हैं, यानी जैसे इस टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, तो ये लिक्विड एसिटिक एसिड में आपको मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, और उसके जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमको ये आइस के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना, सॉलिड मिल रहा है, ये हमको बर्फ की तरह से मिल रहा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आते ही ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल करके बर्फ बन जाता, पिघल करके पानी बन जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट से ये नीचे है, तो ये क्या, किस रूप में पाया जाएगा, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इट इज वीकर एसिड देन HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये एक वीक एसिड होता है, लेकिन लेकिन एल्कोहल से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। दो बातें बोली गई हैं, ध्यान से सुनिए, और आपके एनसीईआरटी में ये बातें लिखी गई हैं कि HCl से तो ये वीक होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड उसके बगल में यहां पर HCl खड़ा है, तो HCl से तो ये वीक है, ठीक है, लेकिन इधर एल्कोहल है, एल्कोहल से ये स्ट्रॉन्ग है। बात आपको समझ में आई, HCl से तो वीक है, ठीक है, HCl भी क्या है, एसिड है, तो उसके सामने तो ये वीक एसिड बन जाता है, लेकिन जब एल्कोहल इधर है तो एल्कोहल के सामने ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो ये बीच में खड़ा है, इधर HCl है और इधर एल्कोहल है, और ये पॉइंट लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में, इसको समझते हैं। देखिए, इट इज वीकर देन HCl, HCl से तो ये वीक है, ये बीच में रहा, HCl से तो ये वीक है, वहां पे तो ये कमजोर हो जाता है, लेकिन एल्कोहल से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप कहेंगे कि एल्कोहल, एल्कोहल तो बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक थोड़ी होता है, तो लेकिन इसके अंदर एसिडिक नेचर पाया जाता है, ठीक है, एल्कोहल के अंदर भी एसिडिक नेचर पाया जाता है, तो एल्कोहल से ये क्या होता है, वीक एसिड, एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन HCl से वीक एसिड होता है। अब देखो HCl की अगर हम बात करें, चाहे HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या H2SO4 ले लो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हम नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, HNO3, ये सारे जो भी एसिड है, ये कौन से एसिड है, मिनरल एसिड है, ठीक है, तो इन मिनरल एसिड तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी हम क्लीनर जो इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम क्लीनर है ना, उन सब के अंदर मिनरल एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है। और ऑर्गेनिक एसिड कहाँ होता है, फलों के अंदर जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। जैसे आपको एप्पल अगर खट्टा लगता है तो उसके अंदर कौन सा है, उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड पाया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि आप एप्पल खाते हैं, ठीक है, उसमें खटास आती है ना, तो वो एसिड की वजह से आती है। लेकिन क्या आपको एप्पल नुकसान करता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि फ़ायदा करता है। चाहे आप पोमोग्रेनेट ले लीजिए, है ना, अनार आप खा लेते हैं, या फिर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं, नींबू की सिकंजी पीते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब जितने भी आंवला है, या फिर हम एसिटिक एसिड को ही अचार के अंदर डाल रहे हैं ना, तो अचार के अंदर डाल करके एसिटिक एसिड को हम खा रहे हैं,
रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड कोई भी नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो मिनरल एसिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और नुकसानदायक होता है। इवन मिनरल एसिड अगर थोड़े से उसके मिनरल एसिड के छींटे भी आपके हाथ पे पड़ जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा खुजली और इतना जलन होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो HCl हो गया जैसे, तो जितने भी बाथरूम क्लीनर होते हैं उसके अंदर HCl का, H2SO4 का, H2SO4 यानी कि हमारा किंग ऑफ एसिड है ना, तो HNO3, ये सब स्ट्रांग एसिड हैं, इनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो बाथरूम क्लीनर होता है ना उसके अंदर डाला जाता है, तभी तो बाथरूम के अंदर जो भी गंदगी रहती है इस एसिड को डाल दो तो उसको वो क्लीन कर देता है। ठीक है, उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है और क्लीन कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो तो इतना खतरनाक होता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, वो उसका काम मतलब उसके अंदर ये नेचर पाया जाता है कि वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, तो वो क्या करेगा कि जो भी जहां पर भी H2SO4 अगर स्किन पे पड़ गया तो वो स्किन के अंदर से जितना भी मॉइस्चर होता है उसको निकाल लेता है और बुरी तरीके से उसको जला देता है। तो ये मिनरल एसिड जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो अब हमारे एसिटिक एसिड और मिनरल एसिड इन दोनों के बीच में अगर टक्कर होता है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड, मैं तो एसिटिक एसिड के साथ हूँ, ठीक है, तो अब देखो अगर हमारा मैं एसिटिक एसिड हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मिनरल एसिड है, तो मिनरल एसिड के सामने हमारा एसिटिक एसिड जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे डर के रहता है, हाँ भाई तुम तो स्ट्रांग हो, है ना, ये डर के रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर एल्कोहल है तो एल्कोहल के सामने ना ये खुद जो है उसके सामने ये वीक बन के था लेकिन इसके सामने स्ट्रांग बन के होता है, आजा फील्ड में इतनी तेरे ताकत है तो आजा, है ना, देख लेते हैं। तो ये इसके सामने ये क्या हो गया, शेर हो गया, लेकिन उसके सामने मिनरल एसिड जब है तो उसके सामने ये गिदड़ बन के रहता है। ठीक है, अब ये शेर और गिदड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ऐसा कैसे है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग एसिड है, मिनरल एसिड स्ट्रांग एसिड है और जो है एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है, तो दोनों के बीच में हमको टक्कर करानी पड़ेगी। बिना टक्कर कराए, है ना, बिना प्रूफ लिए हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो चलो इसको हम एक टक्कर करा लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ले लेते हैं, ये कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, और आरहेनियस सर के कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। आरहेनियस सर ने क्या बोला था कि आप एक कंटेनर ले लीजिए, जब भी आपको टक्कर कराना हो किसी एसिड में कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, तो सबसे पहले उनको लाना पड़ेगा फील्ड में और उनके बीच में रेसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो टक्कर उनके बीच में करवाना पड़ेगा, बिना टक्कर करवाए हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग, केवल कहने से थोड़ी हो जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए जैसे वहाँ पर दंगल करवाने के लिए फील्ड की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर एसिड और बेस के बीच हमको पता करने के लिए कि कौन सा स्ट्रांग है हमको पानी की जरूरत है। और ये हमको किसने बताया था, आरहेनियस सर ने बोला था कि एक कंटेनर ले लो और उस कंटेनर में क्या करो, पानी भर लो। ठीक है, पानी भर करके अब HCl, जैसे HCl हमने ले लिया, हमारा HCl और CH3COH के बीच में चलो यहाँ पर टक्कर है, तो हमने यहाँ पर HCl ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया CH3COOH को ले लिया। ओके, अब देखो HCl के हमने एक सपोज करते हैं कि HCl के हमने 50 इसके मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, HCl के 50 मॉलिक्यूल, उसी तरीके से CH3COH के भी हमने कितने ले लिए, 50 मॉलिक्यूल ले लिए। ओके, अब इनको हमने टाइम इनका स्टार्ट किया कि योर टाइम स्टार्ट नाउ, है ना, फटाक से इनको हमने बोला कि तुम पानी के अंदर अब जम करो, सबसे पहले चांस हमने इनको दिया, तो ये HCl पानी के अंदर यहाँ पर अंदर जम करता है और जंप करते ही जैसे ही ये पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जाते ही ये तुरंत दो टुकड़े कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर जाते ही ये दो टुकड़े में डिवाइड हो गया, इसके अंदर एक H है और Cl है, तो ये इस पानी के अंदर जाते ही H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो गया। ओके, और ये H प्लस और बार बार मतलब फिर ये पहला वाला डिवाइड हुआ, दूसरा वाला उसने भी फटाक से H प्लस और Cl माइनस बना लिया, तीसरा वाला भी फटाक से H प्लस और Cl माइनस बना लिया, चौथा वाला भी H प्लस और Cl माइनस बना लिया, तो फटाक से ये क्या हो रहा है, दो टुकड़े में डिवाइड हो रहे हैं और देखते देखते यहाँ पर 50 H प्लस हमको मिल गए, 50 H प्लस, और ये बहुत ही क्विकली हुआ, फास्ट हुआ, है ना, तुरंत जाते ही ये डिसोसिएट हो गए, दो टुकड़े हो गए, H प्लस इन्होंने फ्री कर दिया। ये बेचारा चलो पानी के अंदर घूम रहा है कि अरे अरे अभी तो मैं Cl के साथ था लेकिन Cl ने मुझे भगा दिया पानी के अंदर आते ही, मैं Cl मुझे ले नहीं रहा है ना, अपने साथ जोड़ नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो इस पानी के अंदर रहता है H2O, वाटर में है मतलब H2O तो है ही, तो ये H2O इससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, है ना, H प्लस से पूछता है क्या हुआ, H प्लस कहता है कि भाई मैं अकेला घूम रहा हूं, ऐसे H प्लस के रूप में घूम रहा हूं, तो कहता है कोई बात नहीं मेरे पास भी हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन भाई उसको बुला लेते हैं अपने पास कि आ जाओ हमारे पास,
ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो अब ये H2 के जगह पर क्या हो जाता है, H3 हो जाता है, और O तो O है ही, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में अब इसके अंदर ये H+ घूमता रहता है, ठीक है। तो हम अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट छोड़ भी दें तो ये तो आपने समझ लिया कि इसमें पानी के अंदर बहुत सारे H+ हो गए, और H+ जो होते हैं किसी भी वाटर में कितने H+ हैं, H+ कितने हैं, जितनी ज़्यादा H+ की संख्या वो सोल्यूशन उतना ज़्यादा क्या एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 के 50 हमको H+ मिल गए, वो भी क्विकली मिल गए, तो ये हमारा एसिडिक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन तुरंत के तुरंत बन करके तैयार हो गया। और ये किसने बनाया, HCl ने बनाया, क्योंकि HCl के पास ये कैरेक्टर था कि हम पानी में जाएंगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे, ये हमारी पहली शर्त है, और मतलब पहला हम बता रहे हैं अपनी क्वालिटी, और दूसरी हमारी क्वालिटी ये है कि हम ये दो टुकड़े होने में टाइम नहीं लेंगे, हम आप जो है ना घड़ी देखते रहो, ए फटाक से हम क्या होंगे, दो टुकड़े में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर H+ इतना H+ हम भर देंगे कि ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा एसिडिक सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। HCl का तो हो गया भाई, HCl 100% इसने डिसोसिएशन दे दिया, 100% डिसोसिएशन मतलब सारे के सारे 50 के 50 जो है वो अंदर जा करके, और 50 के 50 जो है वो टूट गए, अलग अलग हो गए, ओके, दो टुकड़े बना लिए। अब बारी आती है CH3COH की, हमने बोला कि चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम अंदर जंप करो। जब ये CH3COH अंदर जाता है ना, अब ये जंप जब कर रहा है तो देखो अब ये क्या करेगा, अब ये जब जंप करता है तो अंदर तो पहुंच गया, ये पहुंचने के बाद 50 के 50 अंदर तो पहुंच गए, अब पहुंचने के बाद ना एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं, देखो ये पानी में तो आ जाते हैं, वाटर में आने के बाद ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि क्या करेगा तू, एक ने दूसरे से पूछा H+ निकालेगा क्या तू, आए तो हैं नहीं H+ निकालने के लिए ही पानी में, निकालना तो पड़ेगा, मेरा तो मन नहीं कर रहा है निकालने का, मैं तो नहीं निकालूंगा, अरे निकालना तो पड़ेगा, चलो भाई ठीक है ना, एक दो ने चर्चा करके, और तू क्या करेगा, और तू मैं तो निकालने वाला नहीं रहा, मैं तो नहीं निकालूंगा, तू निकालेगा क्या, है मैं भी नहीं निकालूंगा, जितने नहीं निकालेंगे आ जाओ मेरे पास, है ना, नहीं निकालेंगे, तुम मुझे तो डर लग रहा है, H+ मुझे तो देना ही पड़ेगा, H+ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन अंदर होता है। अब देखो CH3COH जो है वो अंदर आकर के डिसोसिएट तो हुआ, ठीक है, ये डिसोसिएट हुआ, देखो CH3COO- और प्लस इसने भी H+ दे दिया, +H+, ठीक है, ये दो भागों में टूट गया, जैसे ये टूट रहा था H+ और Cl- में, ये टूट रहा था H+ और Cl- में, वैसे ये टूटेगा CH3CO- और H+ में, तो H+ इसने भी दिया तो सही दिया, लेकिन उतने नहीं दिया, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि 50, देखो पहले तो इनको आपस में चर्चा करने में ही बहुत टाइम लग गया कि कौन H+ देगा कौन H+ नहीं देगा, इसमें इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, तो ये बैठ के हंस रहा था इतना टाइम हो गया अभी तक H+ आए नहीं, है ना, अभी कितने H+ आए, गिनती के 10 H+ आए हैं, फिर और हंसता है और ठाके लगा के हंसता है, ओ इतना टाइम लग गया, हम लोग तो इतना कब का, हमारा तो गेम ओवर हो गया, हमको तो बल्कि नींद भी आ रही है, अरे ये अभी तक इनका डिसोसिएशन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको देखते देखते ये गेम जो है ना, इनको नींद भी आने लगती है कि अभी तक ये क्या कर रहे हैं। तो इसमें से कितने डिसोसिएट हुए, तो इसमें से डिसोसिएट तो हुए मान लो 20, है ना, 20 डिसोसिएट हुए, ठीक है, और वो भी केवल 20 ही H+ इसके अंदर आया, 50 H+ नहीं आया, इनकी तरफ से केवल और केवल 20 H+ आया, ठीक है, और वो भी बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, ठीक है, उस 20 H+ को देने में भी टाइम लगा दिया। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन बनके तैयार हुआ, ये एक वीक एसिडिक सोल्यूशन बनकर के तैयार हुआ, वीक, ठीक है, सोल्यूशन तैयार हुआ, सोल्यूशन तो एसिडिक है लेकिन कैसा एसिडिक सोल्यूशन है, वीक, क्योंकि यहां पर अब हो गया है ना, जो हमारी फाइट करवानी थी वो हमने फाइट तो करवा लिया, और हमने देखा कि केवल 20 ही हुए हैं, और 20 को डिसोसिएट होने में जो है 2 घंटे लग गए, है ना, एक तो तुम लोग 2 घंटे में डिसोसिएट हुए हो, ऊपर से तुमने केवल 20 से H+ दिए, एकदम वीक बनाया है, तो आज की विनर है HCl, ठीक है ना, HCl ने क्विकली तुरंत के तुरंत ही रेस खत्म कर दिया, ठीक है। तो HCl को कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर ही इन्होंने पूरा ये डिसोसिएट, मिनट्स भी नहीं लगेंगे, है ना, बहुत ही विद इन 1 मिनट के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इतना फास्ट होते हैं ये, H+ दे देते हैं, जल्दी देते हैं, इस वजह से ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो यहां पर हमने करार कर दिया कि भाई HCl जो है वो क्या है, विनर, आज का विनर HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH3COH जो है ये वीक एसिड है। अब CH3COH हार गया तो उसको बहुत गुस्सा रहा था कि मैं हार कैसे गया, कैसे हार सकता हूं मैं, है ना, तो अब CH3COH कहता है कि अब मेरी फाइट करवा दो इसके साथ, एल्कोहल के साथ फाइट करवा दो। तो भाई जब एल्कोहल के साथ फाइट हुआ तो वहां पर CH3COH जो है वो जीत गया, क्योंकि
एल्कोहल तो बेसिक नेचर का होता है और थोड़ा उसके अंदर एसिडिक नेचर है, तो उसके सामने ये हमारा जो एसिड है ये तो ज़्यादा एसिडिक नेचर रखता है, तो ये क्या है, इसके सामने विनर हो जाता है। तो वहाँ विनर होकर बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता है कि मैं विनर हो गया, ठीक है। वहाँ पर इन दोनों के बीच में रेस हुआ, तो वहाँ का विनर हुआ CH3COH, ठीक है। लेकिन वहाँ जब इसके साथ हुआ था तो इसके सामने तो गिदड़ और इसके सामने शेर है ना, कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एसिड और बेस का जो एसिड का हमको बताना होता है कि कैसे कौन स्ट्रांग है, वो हम इस तरीके से आरहेनियस के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आज का टॉपिक यहीं पर ओवर हो जाता है। अब हमने इसमें पढ़ लिया CH3 एथेनोइक एसिड का, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया और इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो सब आपके NCERT में आप यहाँ पर रीड करेंगे, तो आपके NCERT में ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, अब हम इसके देखो यहाँ पर इसके केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में एक एस्टरीफिकेशन है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, नाइस डे।